नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। मैं हूँ राम स्वरूप शर्मा। आपको बता दो, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे मन्ना अडवाणी जो जम्मू कश्मीर के टूर के लिए निकले हैं और इसी साइकिल पे वो निकले हैं, वो आज पौनी में हमने देखे हैं रंजीत रेस्टोरेंट में। हम बातचीत करेंगे इनसे। भैया नमस्कार, पहले आपको स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर कितने दिन पहले आप घर से निकले थे? सर मैं 10 दिन पहले निकला था, आज 11वां दिन है। हाँ। और आज डे 11 कंप्लीट हो गया और मेरे जो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट हो गए यहाँ तक। 14 डिस्ट्रिक्ट? जी सर, जी सर। रियासी मेरा 14th डिस्ट्रिक्ट था और कल से फिर राजौरी, उसके बाद पुंछ, ऐसे ही करके 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। जो 20 ओवर में मुझे करना था जम्मू कश्मीर का 20 डिस्ट्रिक्ट्स का, तो अभी मैं चल रहा हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ। अभी इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और जो मेरा ये ऑर्गेनाइज किया था वो आर्को सीमेंट, कश्मीर बेस्ड एक सीमेंट है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कहीं और किसी से सपोर्ट मिली है? गवर्नमेंट से सपोर्ट है सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इवन कि मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह भी दिए थे, बहुत कुछ बोला था उनको, तो उनको प्रोजेक्ट्स भी दिए थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भी इशू, मतलब कोई भी सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। तो अभी क्या सोचा सर आगे? आपके जो फ्रेंड हैं उनको कभी बोला है कि आप भी चलो हमारे साथ टूर पे साइकिलिंग करते हैं? हाँ सर, वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं तो उनको, वो अपने गेम्स में मस्त है, तो मैं चाह रहा था मैं ये टूर करूँ ताकि मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है सब में जाऊँ और वहाँ पे लोग मुझे मिलते हैं, मैं सबसे बात करता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में जाइए ताकि आपकी जो हेल्थ है वो फिट रहेगी। प्लस उनको टाइम नहीं मिलेगा कि वो गलत मतलब रास्ते पकड़े या ड्रग्स की ओर जाए, तो इसी वजह से मैं उनको बताता हूँ कि आप टाइम और एनर्जी स्पोर्ट्स पे कीजिए ताकि आपकी जो लाइफ है, फ्यूचर लाइफ है, वो फिट एंड फाइन रह सके। अभी सर राजौरी आपने कितने दिन में पहुँचा? सर अभी कल मैं राजौरी पहुँचूँगा और परसों पुंछ पहुँचूँगा, तो इसी ऐसे करके फिर उसके बाद मुगल रोड लेके मैं श्रीनगर वापस जाऊँगा सर। किसी किस्म का कोई डर शर खतरा, कोई ऐसा खर्चा भी होता है बहुत सारा? मतलब कहीं रेस्टोरेंट में आप रहोगे, खाना खाओगे सर, उसके बाद गेस्ट हाउस में आप रहोगे, उसके खर्चा वर्चा वो सारा? जी सर, वो स्पॉन्सर जो है आर्को सीमेंट वो सारा खर्चा उठा लेती है। और इससे पहले भी मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था, 4000 किलोमीटर का सफ़र था, 11 स्टेट्स मैंने क्रॉस किए थे। उस टाइम मैंने वो सेल्फ स्पॉन्सर किया था, खुद किया था खुद से, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे से रहा सब कुछ। और मैं अभी यहाँ पे हूँ और कल मैं निकल रहा हूँ राजौरी की तरफ। किसी किस्म की कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कतबाजी हुई आपको? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। जो मीडिया पे वगैरह दिखाते हैं कि जम्मू में ऐसा हुआ, कश्मीर में ऐसा हुआ है, या कुछ भी ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जो भी मिलते हैं चाहे वो किस भी धर्म के हो, बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं हर जगह पर। ठीक है।